का पिला तो सुलभा पिला रहे बहन जब आई थी पहली बार तो मैंने जब इनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है तो इन्होंने कहा सुलभा पिला रहे। तो इन्होंने इतनी तेजी से कहा मैंने समझा ये कह रही है कि सुलभा पिला रहे। तो मैंने कहा बहन जी मैं तो खुद कुछ नहीं पीता खाता ठीक है तो मैं आपको सुलभा कैसे पिला सकता हूँ। तो सुलभा बहन कहाँ से आप आई है? नागपुर महाराष्ट्र से। मनु भैया के पास आप क्यों आए? तबीयत ज्यादा हो रही थी मेरी। तबीयत क्या ज्यादा हो रही थी? खराब हो रही थी या ठीक? नहीं अच्छा। खराब हो रही थी। फिर यूट्यूब पे भाई एक सेकंड रुको। हाँ फिर यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब पे इतने सारे बाबा बैठे हैं फिर आपको मनु भैया की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतना नामी ग्रामी बागेश्वर वाला बैठा है, इतना नामी ग्रामी मोटा पेट काला सांड कानपुर बैठा है, इतने नामी ग्रामी देवताओं के होते हुए साक्षात मनु भैया जैसे छोटे आदमी की जरूरत कहाँ पड़ गई? नहीं मैंने सब वीडियो देखी लेकिन मेरा मन कहा कि यही जाओ। यही क्यों जाओ? क्या पता मन ने बोला मेरे कि यही जाओ तुम। यही जाओ वहाँ एक भैया बैठे हैं वो अपने आप देख लेंगे आपको जो भी कुछ होगा। तो सुलभा क्या चल रहा था आपका पूरे जीवन में और अभी आप क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था आपको बताइए। मैं 8-9 साल से साइकोलॉजिस्ट की दवा खा रही। साइकोलॉजिस्ट की क्या बात कर रहे हैं? आपको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम थी? डॉक्टर ने बताया ऐसा? आपके टेस्ट भी हुए थे? तो मनु भैया साइकोलॉजिस्ट तो है ही नहीं। नहीं लेकिन मुझे लगा कि यहाँ जाके आराम मिलेगा मुझे क्योंकि एक दिन सपना आया था रात को यहाँ बैठ गया। तब से मेरी तबीयत खराब हो गई। यहाँ रात को छाती पे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया तब से तबीयत खराब हो गई। तब इन्होंने सोचा मनु भैया के पास जाया जाए वरना ठीक होने का कोई अंत आएगा नहीं। अभी जो 8 साल में दवाइयाँ खाई है वो 800 साल भी खानी पड़ सकती है अपने मरने के बाद और डॉक्टरों का तब भी पेट नहीं भरेगा। मुझे बताइए कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया और कहाँ कहाँ क्या वो नामचीन थे क्या वो बड़े डॉक्टर थे? बड़ा डॉक्टर है नागपुर का साइकोलॉजिस्ट है। क्या नाम है? शैलेश पनगांवकर। शैलेश पनगांवकर तो उसका बड़ा हॉस्पिटल भी होगा? बड़ा हॉस्पिटल है। उसके हॉस्पिटल में मार्बल भी बिछा होगा ऐसा टेंट तो नहीं होगा? नहीं नहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है? कितना बड़ा हॉस्पिटल है कि उसमें ऐसा लगता है कि जाके जैसे 5-स्टार होटल में चले गए। अच्छा फिर फीस कितनी होगी आपकी एक बार की डॉक्टर साहब की? 1000 रुपए। 1000 रुपया एक पर्ची लिखने का है? और टेस्ट का चेकअप का इनका? 3500 की 4000 की गोली आती थी एक या बहुत सारी? महीने की 4000 रुपए की दवाई आती थी। ये दवाई आपने कितने साल खाई? 8 साल। 8 साल लगातार? लगातार। तो 12×48 यानी कि 1 साल के 52,53,000 रुपए हो गए। तो टोटल मिला के 4,00,000 रुपए आपने डॉक्टर को दिए। तो डॉक्टर का नीचे का फर्ज बन गया उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? इतनी बड़ी भाई डॉक्टर का नीचे का फर्ज बन गया वरना एक कमरा तो तैयार हुआ होगा 4 लाख में ऐसी बात तो है नहीं। और एक महीने में 2 बार जाती थी मैं। एक महीने में 2 बार जाती थी तो 1000-1000 रुपए फीस अलग से होती थी दवाई के अलावा। एक महीने में 2 बार के ये हो गए तो 1 महीने में 2 बार के यानी कि 1 महीने में 2000 रुपए ये हो गए। टोटल मिला के कितने महीने हो गए? 12×12=24 और 24 और 8 24×8 कितने हो गए भाई? 20×8=168 डॉक्टर ने 7 लाख रुपए तेरे से ले लिए। तो कोई बात नहीं उसमें डॉक्टर का फर्श भी तो आया होगा ना महंगे वाला टाइल लगवाई होगी डॉक्टर ने। अपना ऑफिस बनाया होगा बड़ी सी चेयर होगी ऐसे थोड़ी सी टूटी उठी वो थोड़ी ना होगी। हम तो टेंट वाली पे काम चला रहे थे। तो मनु भैया के टेंट में और मनु भैया के यज्ञ में यज्ञ कुंड में जहाँ पे हवन होता है आपका उतारा होता है क्या अंतर आपने डॉक्टरों में और मनु भैया में देखा और आप मेरे पास कौन सी बार आए हैं? अभी मैं 3री बार हुआ मेरा यानी जल्दी जल्दी आप आए। रुक के जाती मैं और जल्दी जल्दी आती। अच्छा रुक के जा रहे हैं आप कितने कितने दिन के लिए रुके? 10 दिन रुकती कभी पहले बार चार दिन रुकी दूसरी बार 10 दिन रुकी अभी और आप फ्राइडे को जा रहे हैं। अब फ्राइडे को जा रहे हैं आपको आए क्या दिन हो गए? दिवाली के बाद आई। तो ये इतना बड़ा रोग था जो 8 साल में नहीं गया अभी उस रोग के लक्षण बताएंगे आप आपको क्या लक्षण अब होते हैं? नहीं अभी कुछ भी नहीं है पहले मैं सोती नहीं थी रात को गोली देता था डॉक्टर सोती रहती थी 12 बजे दोपहर को 12 बजे उठती थी और सोती रहती थी नींद की नशे की गोलियों में और इस तरह साइकोलॉजी आपकी ठीक हो गई। इस वो गोली बंद कर दी मैंने सब गोलियां बंद कर दी। साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास जाने की बजाय ना आपने बहन जी साइकिल भी चलाई होती ना तो भी आपका वो जो अंदर निगेटिविटी थी ना वो थक जाती। वो सोचती कि ये तो साइकिल ही चलाती रहती है और चलवाती रहती है खाने पीने को कुछ देती नहीं वो भाग जाती। अब साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास क्या मशीन है कि भाई क्या कहते हैं इसको निगेटिविटी है कैसे निकालेगा बेचारा है पढ़ाई कम है ये डॉक्टर आधे अनपढ़ है इनकी जो पढ़ाइयाँ हैं वो खत्म है बिल्कुल ना के बराबर नगण्य। और अगर किसी को यही नहीं पता निगेटिविटी है तो निगेटिविटी
जांचने का पैमाना उनके पास है नहीं। डॉक्टर को एक चीज और सीखनी पड़ेगी, और जो ये एमडी होती है ना, ये एमडी जो मैं कह रहा हूँ, केवल मैं कौन से विज्ञान को कह रहा हूँ, चिकित्सा विज्ञान को मैं ये कह रहा हूँ, अपनी एमडी में एक पदवी और बढ़ा दीजिए कि निगेटिविटी चेक करो और उनको ठीक करो। तो डॉक्टर उस पैमाने पे ना बने, डॉक्टर के चोटी भी हो, डॉक्टर जाप भी करे, भगवान का नाम भी ले, और तब डॉक्टर को पता चलेगा कि भगवान का नाम दुनिया में सर्वोपरि है। जब वो मरते आदमी को छोड़ देते हैं ना, बाहर लोगों को कहते हैं इशारे से, अग भाई अब अपना किसी का भगवान का कोई उतारा देना है, याद करना है तो कर लो, तुम्हारा आदमी जाता हुआ है। तो जब उससे कहने से पहले पहले ही कहना पड़ेगा कि भाई भगवान का नाम मैं भी लेता हूँ और आप भी लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना सुलभा, आप ठीक हो गए। मैं तो कहूँगा नहीं, आप तालियां बजाओ। लेकिन मतलब मुझे सुलभा मुझे ये पता नहीं चल रहा, जब लोगों को निगेटिविटी है और उनको निगेटिविटी से ऐसे ऐसे रोग है, तो डॉक्टर कहाँ है, मगज मार रहे हैं, उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है निगेटिविटी की। मैं बोलती थी उनको कि मेरे को सपने आते गंदे गंदे। हाँ क्या बोला, गंदे सपने पे मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सोते जाओ, गोलियां खाते रहो, और इस तरह कभी ठीक मत हो, आप अपने में कभी मत आना, आपको अपना बच्चा नहीं पालना, आपको अपना विचार नहीं पालना, वो स्टेरॉइड खा के मर जाओ, यही नहीं। डॉक्टर भगवान होता है कि मारने के लिए शैतान होता है, बताओ है? नहीं, डॉक्टर आपको भगवान लगा, 8 साल आपके पैसे खाए गए और आप ठीक नहीं हुए, भगवान लगा कि शैतान लगा? तो मनु भैया जी को लोग देव स्वरूप क्यों ना माने, जब हमने ऐसी निगेटिविटी इनकी ठीक कर दी जो कहीं ठीक होने पे नहीं आ रही थी। फाइल भरी है मेरी। कितनी फाइल? 2 फाइल भरी है मेरे पास, सारी वीडियो भेजना उस फाइल की, ठीक है ना। हम भी देखते हैं इन डॉक्टरों को कहाँ तक चलते हैं ये, हम भी संसार में ऐसे हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ केवल निगेटिविटी निकाली जाए और तरीके से निकाली जाए। आया ना समझ में? आया? लोग इस कार्य में केवल पैसा कमाने की सोचते हैं, रिसर्च और खोज करने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि इसमें समय लगता है, पैसा लगता है इसमें, और इसमें आपको मेहनत लगती है, और मेहनत इतनी लगती है कि आप भूल जाओगे, होश भूल जाओगे, ठीक है ना। बैठना पड़ता है, मनु भैया जी की तरह समय गंवाना पड़ता है, रिश्ते खोने पड़ते हैं, है ना सारे। बस जिसको मिलना है यहीं मिल लो, इसी कुर्सी पे, इसी कुर्सी पे भाई मिलेंगे, इसी कुर्सी पे भैया मिलेंगे, इसी कुर्सी पे बहने मिलेंगी। घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी वहाँ से नागपुर से अकेली आती है। नहीं, नागपुर से अकेली आप ये दूसरी बार आए हो, है ना? तीसरी बार नहीं, पहले तो पति देव के साथ में, दूसरे बार लड़का आया था, दूसरी बार लड़का आया था, और अब की बार अकेली आई है, कभी बाहर नहीं निकली 8 साल से। फोन करती है, क्या कहते हैं? रुक क्या बोलते हैं? थोड़ा बहुत भी नहीं रहना चाहिए। मैं बोली कि कल परसों का कर लेती, खुश रहो, शनिदेव महाराज कल्याण करें, आपकी आयु दीर्घायु करें, आपके बच्चों को भी सुखी रखें, और ऐसे डॉक्टरों से जो प्राण देने वाले ना हो, प्राण मारने वाले हो, यानी कि बचाने वाले नहीं हो, मारने वाले हो, ऐसे डॉक्टरों से संसार भर से मैं भगवान को कहता हूँ, तू ही, ये तो लोग सोचते नहीं है, तू ही अपना तेज बढ़ा दे इस पृथ्वी पर, तू ही अपनी तरंगे भेज दे इस पृथ्वी पर, क्योंकि ना तो डॉक्टर ने तो तेरे उससे, क्योंकि तेरी तरंगे कम मिलने लगी हैं लोगों को, और शैतानों की तरंगे ज्यादा हो गई हैं, तो डॉक्टर ने तो केवल पैसा खा जाना है और अपना घर भर लेना है। लेकिन पता उस दिन चलेगा जब सब केवल निगेटिविटी से भर जाएंगे, और उस दिन डॉक्टर को भी निगेटिविटी हो जाएगी, और जिसके लिए वो पैसे कमा रहा है उनको भी निगेटिविटी हो जाएगी, और ऐसे दरों पे भटकते फिरेंगे, और तब उनकी चीजें निकलेंगी नहीं। बोलो शनिदेव महाराज। सुलभा, मैंने आपको हथौड़ी लगाई कभी? 2 बार लगाई भैया। 2 बार लगाने से हुआ क्या? आराम हुआ, मेरे शरीर को पूरा आराम हो गया, दर्द नहीं बढ़ा? नहीं। तालियां बजाओ। दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन लगा के दर्द बढ़ जाएगा। चलिए, हो गया काम।